चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही छोटा क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपको कंफ्यूज करने के लिए जनरली पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा कि हाउ डू यू हैंडल अ बॉयलर इफ स्टीम ड्रम सेफ्टी वाल्व लिफ्ट्स बिफोर लिफ्टिंग ऑफ सुपर हीटर लाइन सेफ्टी वाल्व। यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि अगर आपका लाइन सेफ्टी वाल्व पॉप अप होने से पहले ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉप कर जाता है तो आप बॉयलर को कैसे हैंडल करेंगे। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा होगा तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि लाइन सेफ्टी वाल्व पॉप करने से पहले अगर ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉप कर जाए तो उस कंडीशन में हमें बॉयलर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, यहां पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ड्रम का डायग्राम बना रखा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ड्रम में हम लोग क्या करते हैं, 50% वाटर मेंटेन करते हैं और 50% टॉप साइड में हमारा क्या रहता है, स्टीम रहता है। और इस ड्रम के टॉप में यहां पे आपको दिख रहा होगा तो दो ठो हमारा क्या है, सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा राइट हैंड साइड में। और इस ड्रम से हमारा जो स्टीम है वो यहां से इस लाइन द्वारा आता है कहां पे, तो हमारा सुपर हीटर में आता है। और यहां से सुपर हीट होकर के ये चला जाता है कहां पे, तो टर्बाइन में चला जाता है, ठीक है। और इस मेन स्टीम लाइन में हमारा एक सेफ्टी वाल्व रहता है और एक हमारा स्टार्ट ऑफ वेंट रहता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा लाइन सेफ्टी वाल्व है वो सबसे लोअर प्रेशर पे क्या है, सेट किया जाता है। और इससे ज्यादा पे हमारा क्या रहता है, तो ड्रम सेफ्टी वाल्व रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है वो थोड़ा सा कम प्रेशर पे सेट रहता है और इससे कुछ ज्यादा पे हमारा दूसरा सेफ्टी वाल्व सेट किया जाता है। तो देखिए, ड्रम सेफ्टी वाल्व या लाइन सेफ्टी वाल्व का सेटिंग कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। और हम लोग जानते हैं कि लाइन सेफ्टी वाल्व है ये लोअर पर सेट होने की वजह से सबसे पहले यही पॉप अप करता है। यानी कि अगर हमारा प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा, तो लाइन का सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा। और इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपका ड्रम का सेफ्टी वाल्व, कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं बोला गया है, अगर आपका ड्रम का सेफ्टी वाल्व पॉप कर जाए तो आप बॉयलर को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व है वो किस कंडीशन में पॉप करेगा। तो देखिए, एक कंडीशन ये होता है कि अगर आपका जो प्लांट है वो आइलैंड मोड में चल रहा है, यानी कि आपका जो टर्बाइन है वो ग्रिड से सिंक नहीं है, वो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं और पावर डायरेक्टली जहां पे भी आपको सप्लाई करना है प्लांट के अंदर वो आप सप्लाई कर रहे हैं। और उस कंडीशन में सडनली आपका प्लांट क्या है, मतलब कि लोड छोड़ दे, आपका जो प्लांट पावर ले रहा है वो सडनली छोड़ दे, यानी कि टर्बाइन पर लोड आपका सडनली क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा स्टीम का सप्लाई क्या होगा, टर्बाइन को रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका प्रेशर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि हमारा सेफ्टी वाल्व का सेफ प्रेशर है, तो उस कंडीशन में हमारा सेफ्टी वाल्व कोई भी पॉप अप नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपका लोड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और आपका लाइन सेफ्टी वाल्व का जितना सेट प्रेशर है, मान लीजिए कि इसका सेट प्रेशर कितना है 70 kg/cm² है और आपका सिस्टम का जो प्रेशर है वो लोड छोड़ने की वजह से 70 kg/cm² प्रेशर आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा लाइन सेफ्टी वाल्व पॉप करना चाहिए। लेकिन हमारा किसी भी कारण की वजह से हमारा ये सेफ्टी वाल्व जो है वो पॉप नहीं किया, ठीक है, और आप उस समय अपना जो स्टार्टअप एंड है उसको भी ऑपरेट नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत ही क्विकली ऑपरेशन हुआ, मतलब क्विकली लोड छूटा, आपको ये करने का टाइम भी नहीं मिला, ठीक है। और उस कंडीशन में आपका प्रेशर और इंक्रीज होते गया क्योंकि आपका ये जो सेफ्टी वाल्व है पॉप नहीं किया। और मान लीजिए कि ये जो हमारा जो ड्रम का सेफ्टी वाल्व है वो कितना पे है, तो 73 kg/cm² पे है और ये हमारा क्या है, 74 kg/cm² पे है और आपका सिस्टम का जो प्रेशर है वो मान लीजिए 73 kg/cm² आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेफ्टी वाल्व है वो पॉप कर जाएगा। तो जैसे ही ये सब सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा तो यहां से जो स्टीम है, यानी कि ड्रम के अंदर जो भी सैचुरेटेड स्टीम है वो क्या होगा, यहां से हमारा निकलने लगेगा, ठीक है। तो जब यहां से स्टीम निकलने लगेगा तो इस कंडीशन में आप देखिए कि यहां से जो हमारा स्टीम है इस सुपर हीटर में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर अभी भी जो हमारा हीट है, जो हम लोग पावर जनरेट करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कोल का कंबसन करवाते हैं, उसको तो हम लोग कम नहीं किए क्योंकि सडनली लोड छूटा है, स्टीम यहां से रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी हमारा हीट जो है बॉयलर में उतना ही है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा सुपर हीटर के पास जो हीट मान लीजिए पहले 700 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां पे स्टीम का डेफिशिएंसी हो गया, क्योंकि स्टीम जो हमारा सुपर हीटर में आ रहा था वो क्या हो गया, यहां से हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप मतलब सोच सकते हैं कि हमारा हीट अभी भी वहां पे सुपर हीटर के पास उतना ही है, लेकिन इसके अंदर स्टीम का क्वांटिटी अब उतना नहीं है, यानी कि स्टीम का क्वांटिटी कम हो गया, यानी कि सुपर हीटर में स्टीम का डेफिशिएंसी हो रहा है, यानी कि स्टीम की कमी हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग स्टारवेशन बोलते हैं। तो जो हमारा स्टीम है, स्टीम के अंदर क्या करता है, कूलिंग मीडिया का काम करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टीम के आउटसाइड में हीट है वो हीट किसको ट्रांसफर करते हैं, तो स्टीम को ट्रांसफर करते हैं। अब हमारा ट्यूब के अंदर अगर स्टीम का डेफिशिएंसी है, स्टीम की कमी है, तो उस कंडीशन में हम लोग हीट किसको ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा ट्यूब के अंदर में स्टीम की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारा जो ट्यूब है वो क्या होगा, ओवर हीट होने लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग में हीट आपका है लेकिन इनसाइड में हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, मतलब कि लेस अमाउंट में मीडियम है, तो उस कंडीशन में आपका जो सुपर हीटर है वो ओवर हीट होने लगता है और इस कंडीशन में आपका ट्यूब जो है वो फेलियर हो जाता है, ठीक है, ओवर हीट होने की वजह से हमारा फेलियर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो देखिए हम लोग को करना है कि ये जो सेफ्टी वाल्व है ना, जो पॉप किया है, इसको जितना जल्दी हो इसको आपको बैठाना है, मतलब कि इसको रीसेट करना है, मतलब कि इसका जितना रीसेट प्रेशर है, मतलब कि जितना पे बैठता है, मान लीजिए कि ये कितना पे बैठता है, तो 69 kg/cm² पे बैठना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां का जो प्रेशर है इतना लाने का कोशिश करेंगे। तो प्रेशर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्टअप वेंट है ना, आप अगर ये स्टार्टअप वेंट खोलेंगे, तो स्टार्टअप वेंट खोलते हैं तो ये क्या करता है, हमारा लगभग 15% हमारा स्टीम एस्केप करता है, जो हमारा स्टार्टअप वेंट है वो क्या करता है 15% स्टीम एस्केप करता है, और ये जो हमारा लाइन सेफ्टी वाल्व है ये लगभग हमारा 30% एस्केप करता है, और जो हमारा ड्रम सेफ्टी वाल्व बना होता है वो लगभग 35% और ये 35% के लिए डिजाइन होता है, यानी कि तीनों सेफ्टी वाल्व मिला करके ये क्या करेगा 100% जितना हम लोग स्टीम जनरेट करेंगे उतना ये निकालने के लिए कैपेबल होता है। तो ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व डिजाइन होता है वो हमारा MCR का 10% के लिए डिजाइन होता है, यानी कि पीक लोड के लिए डिजाइन होता है। जैसे कि आपका बॉयलर जो है मान लीजिए कितना टन का है, तो 54 टन का है, ठीक है, तो 54 × 10% यानी कि कितना हो जाएगा 54 + 5.4 जितना भी होगा इतना कैपेसिटी के लिए हमारा ये सेफ्टी वाल्व तीनों डिजाइन होता है, यानी कि जब हमारा तीनों सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा तो इतना स्टीम क्या है यहां से एस्केप करेगा। तो आप समझ लीजिए 35% यहां से आपका स्टीम निकल रहा है, और ये जो है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए होता है कि किसी कारण की वजह से आपका सेफ्टी वाल्व पॉप ना करे, उस कंडीशन में अगर आपका प्रेशर एक्सेस हो गया तो आप इसको यहां से ऑपरेट करके उसका प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, या दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा बॉयलर के अंदर फ्यूल फीडिंग कम कर देंगे, ठीक है, तो फ्यूल फीडिंग यानी कि हीट जनरेशन यहां पे कम कर देंगे तो हमारा स्टीम का जनरेशन कम होगा, अगर हीट यहां पे कम प्रोड्यूस करेंगे तो स्टीम का जनरेशन कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज कंडीशन में आता है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टअप वेंट जैसे आप खोलेंगे तो यहां से जो स्टीम आपका जो यहां से निकल रहा था वो क्या होगा, अब इधर से आने लगेगा और यहां से आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो इस कंडीशन में देखिए आपका सुपर हीटर के अंदर क्या है, स्टीम आने लगेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो सुपर हीटर है वो फेलियर होने का चांस नहीं होता है। अज्यूम कीजिए कि आपका जो स्टीम है इसके अंदर फ्लो होने लगा और ये 15% एक्स्ट्रा स्टीम यहां से रिलीज करने लगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम के अंदर यानी कि ड्रम के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे डिक्रीज होगा तो ये सेफ्टी वाल्व क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में भी नहीं बैठा, आप स्टार्टअप वेंट खोल दिए नहीं बैठा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सडनली पहले इसको खोल दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, हीट जो है ना यानी कि जो फ्यूल कंजप्शन है, जो फ्यूल यहां पे आप सप्लाई कर रहे हैं, कोल जो सप्लाई कर रहे हैं, उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा एयर कम कर दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है यहां पे हीट बॉयलर के अंदर हीट कम करना है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टीम का जनरेशन जो हो रहा है उसका क्वांटिटी कम हो जाए, यानी कि जब आप यहां पे हीट कम करेंगे तो स्टीम का जनरेशन भी कम होगा, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये सेफ्टी वाल्व आपका रीसेट हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, और फिर आप जितना लोड है उसके अकॉर्डिंग यहां से आप मेंटेन कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप स्टार्टअप वेंट को बंद कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहां पे उलझाने के लिए पूछा जा सकता है कि अगर आपका ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉप करे तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग उसको पहले थोड़ा सा स्टार्टअप वेंट खोलेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इंश्योर होंगे कि हमारा जो सुपर हीटर में स्टीम जा रहा है, और इस कंडीशन में आपको ड्रम लेवल भी देखना है कि ड्रम लेवल हमारा डिक्रीज ना हो, क्योंकि जब आपका सेफ्टी वाल्व पॉप करता है तो यहां से जो स्टीम है ना ये क्या होता है बाहर एटमॉस्फेयर में निकलने की वजह से ये जो वाटर यहां से है ना ये थोड़ा सा इसको पुश आउट करता है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठाता है, जिसकी वजह से यानी कि स्वेल इफेक्ट थोड़ा सा आता है, तो ड्रम लेवल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्चुअली बढ़ जाता है,
लेकिन एक्चुअल में हमारा ड्रम लेवल बढ़ता नहीं है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्टीम यहां से निकलने की वजह से हमारा ड्रम जो वाटर है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ड्रम एक्चुअल ड्रम लेवल को भी मेंटेन करना है, यानी कि आपका जो एफसीबी है उसको भी अगर आपका मैनुअल में है तो आपको लार्ज अमाउंट में इधर पानी आपको भेजना है, क्योंकि जब आपका सेफ्टी वाल्व बैठेगा तो बहुत तेजी से आपका ड्रम लेवल डिक्रीज होने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको ये सब चीज देखना है। तो आपको यही बोलना है कि हम लोग सेफ्टी वाल्व को कैसे भी सर बैठाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हीट यहां पे कम कर देंगे बॉयलर के अंदर, थोड़ा सा यहां से ऑपरेट करके हम लोग एंश्योर होंगे कि हमारा स्टीम इधर जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।